इसके आगे हम एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। अभी जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज ड्यू टू ए डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन कर चुके थे। अब हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल ऑन इक्विटोरियल लाइन। छोटे छोटे पॉइंट हैं, ये करने काफ़ी ज़रूरी है। देखिए, डाइपोल के बारे में हम सब जानते हैं। डाइपोल जिस पर दो इक्वल और अपोजिट चार्ज हों, एक चार्ज माइनस क्यू दूसरा चार्ज प्लस क्यू, सेपरेशन बिटवीन माइनस क्यू एंड प्लस क्यू टू ए, एक पॉइंट पर माइनस क्यू चार्ज बी पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज सेंटर ओ, और इक्विटोरियल लाइन जब हम ले रहे हैं तो इक्विटोरियल लाइन सेंटर से आर डिस्टेंस, जहाँ पर एक पी पॉइंट ले लेते हैं, इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करनी है। इस डेरिवेशन को हम काफ़ी जल्दी से करते हैं। सबसे पहले मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ वी ए बी पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट पर कौन सा चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज। डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं, हमें पता है पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, फॉर्मूला होता है के मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज माइनस क्यू अपॉन डिस्टेंस। अब देखिए डिस्टेंस ये कितनी है, हमें पता है ये डिस्टेंस ए ये डिस्टेंस आर, तो ये क्या हो जाएगी आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर अंडर रूट। हमने यहाँ लिख दिया आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर और अंडर रूट। अब क्योंकि हमें फॉर्मूला मालूम है v इज इक्वल टू क्या होता है के क्यू अपॉन आर, पढ़ चुके हैं पॉइंट चार्ज के लिए, या नेगेटिव चार्ज है तो वी इज इक्वल टू वी ए इज इक्वल टू के माइनस क्यू अपॉन आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। सिमिलरली अब हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, सीधा लिखेंगे वी बी वी बी बी पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज है तो ये डिस्टेंस भी हमें मालूम होनी चाहिए, ये भी कितनी है आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर अंडर रूट। बी पॉइंट पर कैसा चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, देन के प्लस क्यू अपॉन आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर अंडर रूट। हमें पता है पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, देन नेट पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल हमारे पास दो ही चार्ज थे, वी ले लेते हैं और क्या हो जाएगी हमारे पास वी बी प्लस वी ए, दोनों को ऐड कर देते हैं। वी इज इक्वल टू हमें पता है एक हमारे पास वी बी की वैल्यू क्या है के क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस ऑफ के क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, क्योंकि प्लस करना था वी ए क्या में क्यू की वैल्यू माइनस है और ये वैल्यू क्या आ गई जीरो, मीन्स एट इक्विटोरियल लाइन। ये बात ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एट इक्विटोरियल लाइन ऑन इक्विटोरियल लाइन एवरी पॉइंट पोटेंशियल इज जीरो, ये बात याद रखनी है। और यहीं पर एक पॉइंट मैं आपको और बता देता हूँ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कई काफ़ी बार आपसे पूछा जाता है यू नो, या ये पूछा जाएगा डज ए पॉइंट एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। क्या कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो ना हो और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू जीरो हो। आपने पढ़ा था डाइपोल के इक्विटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एट इक्विटोरियल लाइन ऑन ए डाइपोल ऑन ए डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो, दैट इज वी इज इक्वल टू जीरो ई इज नॉट इक्वल टू जीरो। हमारे दिमाग में ये रहता है कि जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो होगी ही होगी, ऐसा हमारे दिमाग में रहता है और हम इसका आंसर अच्छे से नहीं दे पाते। अब सेकेंड पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट बताइए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए डाइपोल। अब देखिए एट एनी पॉइंट के लिए भी हमने काफ़ी बार पढ़ा हुआ है। एट एनी पॉइंट सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक डाइपोल ले लेते हैं, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज। हम कहेंगे कि लेंथ इनके बीच में कितनी है भाई, 2a, ये ए पॉइंट बी पॉइंट। एट एनी पॉइंट के लिए मैं कह देता हूँ कि हमने एक पी पॉइंट कहीं पर भी ले लिया जो डाइपोल के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा, और कितनी डिस्टेंस पर है सेंटर से, ओ डिस्टेंस पर। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, मैं डायरेक्ट ये लिख रहा हूँ वी ए बी द पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। और आपको मालूम होना चाहिए फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपोन आर। अब आपने आर का मतलब है पी ए, आर का मतलब क्या है पी ए, पी से ए तक की डिस्टेंस, ये मालूम होना चाहिए, जिसको हम आर नहीं बोलेंगे, क्या कह देंगे, माइनस के क्यू अपोन आर वन। इसी तरह से हम वी बी लिख देते हैं, बी पॉइंट, बी पॉइंट पर कौन सा चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, तो फॉर्मूला क्या होगा, के क्यू अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस पी से बी तक की कितनी है, पी बी, जिसको हम क्या ले लेते हैं आर टू, क्या लिखा जाएगा, के क्यू अपॉन आर टू। अब हमने क्या निकालना है, नेट पोटेंशियल निकालनी है। अब नेट पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल तो हम वी लेते हैं, विच इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, वी ए प्लस वी बी। अब वी ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस के क्यू अपॉन आर वन, और वी बी की वैल्यू क्या है, के क्यू अपॉन आर टू। यहाँ से के क्यू कॉमन आ गया, के क्यू कॉमन आ गया, क्या बचा हमारे पास, वन अपॉन आर टू माइनस वन अपॉन आर वन, ये हमारे पास नेट पोटेंशियल है। बट आर वन आर टू तो हमें मालूम ही नहीं है, हमने क्या किया भाई, के क्यू को तो कॉमन ले लिया, आर वन आर टू एलसीएम आ गया, यहाँ क्या लिख देंगे बेटा, R1 माइनस आर टू। अब बात तो वहीं अटक गई, R1 और R2 तो अभी भी मालूम नहीं है, तो हम एक ट्रिक लगाते हैं, हम क्या कहते हैं, हम यहाँ पर एक पॉइंट लिखेंगे, इफ डाइपोल इज वेरी स्मॉल, अगर हम डाइपोल स्मॉल लेते हैं, मैंने क्या किया, डाइपोल स्मॉल लिया और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, क्या कर दिया भाई, परपेंडिकुलर ड्रॉ, और इसका नाम रख दिया n, क्या नाम रख दिया इसका, n। अब ध्यान से देखिए, जब हम डाइपोल स्मॉल ले रहे हैं, फिर दोबारा से एक डायग्राम ध्यान से देखिए, मान लीजिए हमने डाइपोल को स्मॉल लिया, ये हमारे पास डिस्टेंस r है, ये हमारे पास जो डिस्टेंस ली थी वो r2 थी, यहाँ से जो डिस्टेंस ली थी वो हमारे पास R1 थी। ध्यान से देखना, डायग्राम को अच्छे से समझना है, यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर डाला, अगर ये वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल है 2a, ये माइनस क्यू चार्ज था, ये प्लस क्यू चार्ज था, ये P पॉइंट था, अब ये वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल है, तो ये n पर डाला, तो हम क्या कहेंगे, पी एन इज नियरली इक्वल टू, ये ए पॉइंट था और ये क्या था, बी पॉइंट, पी बी, बिकॉज डाइपोल इज वेरी वेरी स्मॉल, डाइपोल इज वेरी स्मॉल। जहां हम परपेंडिकुलर डालते हैं, हम ये कहते हैं कि इनफाइनाइट लेंथ ले रहे हैं, तो ये वैल्यू जो परपेंडिकुलर डाली है, आपको याद होगा मैं एक एग्जांपल देता था कि यहां से चांद तक की डिस्टेंस मेजर करनी है, और यहाँ हम एक मीटर से चांद तक के डिस्टेंस मेजर करेंगे, तो जो ये एक मीटर है ये तो परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये दोनों लेंथ क्या हो जाएगी, इक्वल। मींस पी बी की वैल्यू हमारे पास आर टू है, विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, आर टू, पी बी आर टू है, तो हमें पी एन तक की डिस्टेंस मालूम हो गई। अगर हमें पता है पी ए की वैल्यू हमारे पास आर वन है, पी बी की वैल्यू हमारे पास R2 है, तो हमने R1 इज इक्वल टू R2 निकाल, R1 माइनस R2 निकालना था, जो Pn के इक्वल है। मतलब अगर मैं ये डिस्टेंस निकाल दूं, ये वाली डिस्टेंस, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, R1 माइनस R2। अब ध्यान से देखिए, मैंने बोला था कि Bn मैंने परपेंडिकुलर डाला है, अब देखिए हमारे पास एक ट्रायंगल आ गई ABN, हमने यहाँ परपेंडिकुलर डाला था, ये एंगल थीटा माना था, तो ये एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा, थीटा। हमने ए एन निकालना है,
ए एन थीटा के साथ बना हुआ है, तो ये क्या बनेगा भाई हमारे पास, ए एन बेस हो गया अपॉन ए बी, अपॉन ए बी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है हमारे पास कोस थीटा। ए एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, ए एन हमने क्या माना हुआ है आर वन माइनस आर टू इज इक्वल टू क्या माना हुआ है भाई, ए एन इज इक्वल टू ए बी मल्टीप्लाई बाई कोस थीटा। ए बी हमारे पास क्या है 2a, तो क्या हो गया हमारे पास ए एन की वैल्यू 2a कोस थीटा, मतलब आर वन माइनस आर टू हमारे पास आ गया। दूसरा हमने कहा डाइपोल वेरी वेरी स्मॉल है, तो हमारे पास ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस नियरली इक्वल होगी, पी ए इज नियरली इक्वल टू पी बी विच इज नियरली इक्वल टू क्या कह देंगे हम पी ओ। अब आप सोच रहे हो सर ये दोनों सारे ही नियरली इक्वल है तो माइनस करके जीरो क्यों नहीं किया, सब्ट्रैक्शन जीरो करेंगे तो हमारा आंसर जीरो आएगा। तो हम ये चाहते हैं कि इसके अंदर अगर डिफरेंस माइनर भी है तो वो हम इंक्लूड करें, मल्टीप्लाई में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, मल्टीप्लाई में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आता है, इसलिए हमने इसको क्या कह दिया विच इज नियरली इक्वल टू आर, मीन्स पी ए इज इक्वल टू आर पुट करेंगे और पी बी इज इक्वल टू भी क्या पुट करेंगे आर, देन आर वन मल्टीप्लाई बाई आर टू इज इक्वल टू क्या लिख देते हैं इज इक्वल टू नहीं नियरली इक्वल टू आर स्क्वेयर। अब जो हमारा पीछे फॉर्मूला था इस पेज पर क्या लिखा था वी इज इक्वल टू के क्यू, बेटा अभी अभी आर वन माइनस आर टू निकाला, फॉर्मूले में आर वन माइनस आर टू है क्या है ये 2a कोस थीटा अपॉन, और अपॉन में लिखा हुआ है आर वन इंटू आर टू, आर वन इंटू आर टू को हमने क्या लिख दिया आर स्क्वेयर। यहाँ देखिए वी इज इक्वल टू के क्यू इंटू 2a क्या होता है पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वेयर। अब यहाँ पर आप स्पेशल केस कर सकते हो, और स्पेशल केस आपकी एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन को प्रूव करेंगे, जिस तरह कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी किया था। हमने क्या देखा यहाँ पर, इफ़ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा जीरो है कोस जीरो तो वन होता है, तो वी इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास के पी अपॉन आर स्क्वायर, यही आया था एक्सियल के लिए। आप कहोगे इफ़ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, कोस 90 क्या होता है जीरो, अभी अभी हमने पढ़ा था वी इक्विटोरियल जीरो आया था हमारे पास, तो ये हमने अभी प्रूव कर दिया। अब आगे इन टॉपिक्स पर कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स करते हैं जो एनसीईआरटी के हैं या और कुछ इम्पोर्टेंट है और सीबीएसई बोर्ड में आए हुए हैं। अभी सबसे पहले मैं एक एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल लेता हूँ और उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला जो ये न्यूमेरिकल है ये एनसीईआरटी से ले लेते हैं। देखिए जो ये न्यूमेरिकल है मैं लिख रहा हूं, टू चार्जेस थ्री इंटू 10^-8 कूलम एंड -2 × 10^-8 कूलाम आर लोकेटेड 15 सेंटीमीटर अपार्ट एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग the two charges is the electric potential is zero and take v infinite is equal to zero, ये given है। इन्होंने कह रखा है कि वी इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट पर अगर इनकी पोटेंशियल लेते हो तो जीरो ही रहेगी, तो ये तो सभी के लिए होता है, कल भी हमने बताया था। तो इन्होंने क्या कहा है कि एक लाइन ज्वाइन कर रहे हैं, दो चार्ज हैं, एक चार्ज है 3 × 10^-8 कूलाम, दूसरा चार्ज है -2 × 10^-8 कूलाम। हमें पता है नेगेटिव चार्ज पोटेंशियल डिक्रीज करता है, नेगेटिव चार्ज क्या करता है पोटेंशियल डिक्रीज, एंड पॉजिटिव चार्ज है ये, पॉजिटिव चार्ज क्या करता है पोटेंशियल को
इंक्रीज करता है, इंक्रीज द पोटेंशियल, आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये पॉजिटिव है। अगर एक और पॉजिटिव चार्ज रख दिया जाए तो हमें पता है स्केलर क्वांटिटी, हम उसकी पोटेंशियल भी फिर ऐड कर देते हैं। तीसरा रख दिया तो उसकी भी ऐड कर देते हैं, पर नेगेटिव रख दिया तो हम उसका मैग्नीट्यूड माइनस नेगेटिव ही लेते हैं, और फिर हम उसको ऐड करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो ये हमेशा डिक्रीज करेगा और पॉजिटिव हमेशा इंक्रीज करेगा। अब ये बताया गया है कि ये दोनों चार्ज 15 सेंटीमीटर अपार्ट रखे गए हैं, दोनों के बीच में गैप कितना है 15 सेंटीमीटर। मतलब अब हम सेंटीमीटर में भी रख सकते हैं या इसके स्टैंडर्ड यूनिट मीटर भी बना सकते हैं। हमने कह दिया कि ये चार्ज हमारे पास Q1 है, ये चार्ज हमारे पास Q2 है। अब कहीं ना कहीं पोटेंशियल इनके बीच में ही होगा, सेंटर पर ही होगा। अब हम क्या कहेंगे कि यहाँ हमारे पास एक P पॉइंट है जहाँ पर पोटेंशियल क्या है, जीरो। मतलब हम ये लिख देंगे एट पॉइंट पी मीन्स पोटेंशियल वी पी विच इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, जीरो। और वी पी पर लिखा जाएगा तो पी पॉइंट पर पोटेंशियल ड्यू टू Q1 चार्ज प्लस ड्यू टू Q2 चार्ज। अगर Q1 चार्ज की वैल्यू देखी जाए तो क्या लिखी जाएगी बेटा, के Q1 अपॉन डिस्टेंस R1। मतलब हम इस डिस्टेंस को क्या बता दें बेटा, R1। और वी Q2 लिखा जाए तो क्या लिखा जाएगा, के Q2 अपॉन R2। इस डिस्टेंस को क्या बता दें हम, R2 बता देते हैं। दोनों की पोटेंशियल निकाल देंगे और ऐड कर देंगे। अब हमने क्या देखा भाई, के इन 9 × 10⁻¹ न्यूमेरिकल कर रहे हैं। Q1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3 × 10⁻¹ अपॉन R1 कितना है, हम ले लेते हैं R1 ही ले लेते हैं, हमें नहीं पता R1 कितना है, और प्लस के वी क्यू टू। और वी क्यू टू करेंगे तो 9 × 10⁻¹ मल्टीप्लाई बाई क्यू टू कितना है हमारे पास, नेगेटिव है, −2 × 10⁻¹ अपॉन R2। R2 हमें मालूम नहीं है, इज इक्वल टू क्या लिखना है, जीरो। बट हमें ये तो मालूम है R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 15, ये तो हमें मालूम है। पर ये मैं सबसे लास्ट में यूज़ करूँगा, पहले मैं आपको एक रिलेशन बताऊँगा जो आपने शॉर्टकट के लिए भी याद रखना है। देखिए हम इसको राइट साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, 9 × 10⁻¹ इंटू 3 × 10⁻¹ अपॉन R1 इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा पॉजिटिव होगा, 9 × 10⁻¹ 2 × 10⁻¹ अपॉन R2। के से तो के कैंसिल हो गया, वैसे तो हम 10⁻⁸ से 10⁻⁸ भी माइनस कर सकते हैं, पर मैं आपको R1 अपॉन R2 रेशियो निकाल कर दिखाता हूँ। R1 उधर जाएगा, ये चार्ज इधर आएगा, 3 × 10⁻¹ अपॉन 2 × 10⁻¹। यहाँ 3 × 10⁻¹ को क्या मानना था, Q1, और 2 × 10⁻¹ को क्या लिया था हमने, Q2। मीन्स वो पॉइंट जहां पर पोटेंशियल की वैल्यू जीरो होगी, दैट डिपेंड्स ऑन रेशियो ऑफ चार्ज, दैट डिपेंड्स ऑन रेशियो ऑफ चार्ज, ये बात आपने याद रखनी है। हमने क्या देखा यहाँ पर, यहाँ पर 3 है, यहाँ क्या है, −2। मतलब हम R1 अपॉन R2 को अगर हम इनको लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 3:2। अब हमने क्या पढ़ा हुआ है, R1 प्लस R2 कितना है 15, 15 का 3:2 निकालेंगे तो R1 की वैल्यू क्या आएगी, R1 अपॉन R1 प्लस R2, बोलो आएगी या नहीं, R1 अपॉन R1 प्लस R2। और इसी तरह R2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी हमारे पास, R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब ये हमारे पास क्या जाएगा, R1 और R2 की वैल्यू, और यहाँ से भी आप निकाल सकते हो, या फिर दूसरा मेथड है कि आपने यहाँ से R1 की वैल्यू निकालनी है। R1 आपने क्या निकाला, 15 माइनस R2, मालूम है R1 की वैल्यू यहाँ पर पुट करिए, 15 माइनस R2 अपॉन R2 इज इक्वल टू 3:2 बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 − 2R2 इज इक्वल टू 3R2, 2R2 दर जाएगा तो 5R2, 30 इज इक्वल टू 5R2, देन R2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 6, R2 कितना आ गया 6, और R1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 15 − 6 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। ये हमारे पास R1 और R2 आ गया। तो हमने पिछले टॉपिक में एक अच्छा रिलेशन पढ़ा, एट न्यू न्यू एट ए पॉइंट एट विच पोटेंशियल इज जीरो बिटवीन द चार्जेज, बिटवीन
बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द चार्जेज इज आर वन अपॉन आर टू इज इक्वल टू क्यू वन अपॉन क्यू टू मीन्स रेशियो ऑफ चार्ज। ये हमने पढ़ा था एट लाइन ज्वाइनिंग ऑफ चार्ज, लाइन ज्वाइनिंग ऑफ चार्ज एट विच पोटेंशियल, एट विच पोटेंशियल इज जीरो। देखिए अब थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं। एक नेक्स्ट, अब यहाँ एक और एनसीईआरटी वीडियो है, एक और एनसीईआरटी पॉइंट है, मैं एक और न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ। कैलकुलेट द पोटेंशियल, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट ए पॉइंट पी ड्यू टू ए चार्ज ऑफ 4×10⁻¹⁷ कूलम लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे। सेकेंड इसी में पूछा हुआ है, हेंस ऑब्टेन द वर्क डन, ऑब्टेन द वर्क डन Obtain the work done in, obtain the work done in bringing a charge of 2×10⁻¹⁹ coulomb from infinite to the point P। आगे लिखा हुआ डज द आंसर डिपेंड्स ऑन द पाथ अलोंग विच द चार्जेज ब्रॉट। अब देखिए इसमें तीन क्वेश्चन पूछे हुए हैं, अगर एग्जाम में आया तो 3 मार्क्स में आएगा, हर एक क्वेश्चन अलग अलग अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले तो क्या पूछा गया है, कैलकुलेट द पोटेंशियल। भाई पोटेंशियल पूछी गई है तो पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, क्या होता है के क्यू अपॉन आर। अब ये तो बताएगा भाई कहाँ है, यहाँ पर देखिए पहली लाइन में लिखा हुआ है, सबसे पहले तो क्यू लिखा हुआ है 4×10⁻¹⁷ कूलम और आगे लोकेशन लिखी हुई है 9 सेंटीमीटर, मीन्स आर की वैल्यू क्या हो गई 9 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के मीटर बना लेते हैं हम, सीधा लिख देते हैं। अब देखिए वी की वैल्यू निकालेंगे तो सबसे पहले मैंने आपसे बता रखा है कि के की वैल्यू तो क्या होती है 9×10⁻¹⁹, चार्ज की वैल्यू क्या गिवन है 4×10⁻¹⁷ अपॉन आर 9×10⁻²। इजीली सॉल्यूशन होगा, आगे आप कैलकुलेट करेंगे, 9 -2 पर गया 11, तो क्या बचा 10⁻⁴ वोल्ट। देखिए ये हमारे पास पोटेंशियल आ गई। अब हमारे पास एक हो गया, हेंस ऑब्टेन द वर्क डन। अब वर्क डन के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, हमें पता है किसी टेस्ट चार्ज को मूव कराना पड़ेगा। आगे क्या कहता है, हेंस ऑब्टेन द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज, हमने कौन से चार्ज को मूव कराना है, मतलब यहाँ पर हमारे पास क्यू नॉट क्या दिया हुआ है 2×10⁻¹⁹ कूलम, अब क्यू नॉट को मूव कराना है और क्यों कौन से चार्ज की पोटेंशियल में, क्यू चार्ज की पोटेंशियल के अंदर मूव कराना है और कहाँ से कहाँ कराना है इनफाइनाइट टू ए पॉइंट। तो ये तो वी की वैल्यू इनफाइनाइट टू ए पॉइंट ही होती है, इनफाइनाइट टू पी वर्क डन फ्रॉम इनफाइनाइट टू पी, तो हमने तो वर्क डन फ्रॉम इनफाइनाइट टू पी निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा वी इंटू क्यू नॉट। वी हमने अभी अभी निकाला 4×10⁻⁴ मल्टीप्लाई बाई क्यू नॉट क्या है हमारे पास 2×10⁻⁹। अब आगे आंसर हमारा क्या आएगा 8×10⁻⁵ और वर्क डन किस में होता है जूल के अंदर होता है। चलो यहाँ पर हमने क्या निकाल दिया भाई, वर्क डन भी निकाल दिया तो हमारा सेकंड स्टेप भी कंप्लीट। ये तो फर्स्ट स्टेप था, ये हमारा कौन सा स्टेप था बेटा सेकंड स्टेप था।
अब थर्ड स्टेप की बारी आ गई। अब थर्ड स्टेप में क्या पूछा गया है? डज द आंसर डिपेंड्स ऑन द पाथ अलोंग विच द चार्ज इज ब्रोट। अब ये एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये कभी भी पाथ पर डिपेंड नहीं करता, ये केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है। इसलिए क्योंकि हमें पता है कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है। कैसा फोर्स है ये? कंजर्वेटिव। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि देखिए हमने कितनी बार डायग्राम बनाया था कि देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, इनफाइनाइट से मूव कराते हुए ला रहे हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। आप यहाँ से यूँ डायरेक्ट भी मूव करा कर ला सकते थे, आप ऐसे घुमा कर भी मूव करा कर ला सकते थे। हमें तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट से मतलब होता है, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूले में इनके बीच का गैप आ रहा है। तो एक बात ज़रूर ध्यान रखेंगे कि ये कभी भी पाथ पर डिपेंड नहीं करता। नो इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ। चलो, ये एनसीईआरटी न्यूमेरिकल था। अब इसके बाद मैं आपको एक न्यूमेरिकल और करा देता हूँ, ध्यान से देखिए। थोड़ा सा घुमा कर कर देते हैं, थोड़ा सा लेंथी न्यूमेरिकल है बट बहुत आसान है। ये कहता है कि एक न्यूमेरिकल करते हैं, ये काफ़ी बार सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ है और बच्चे काफ़ी गलतियां करते हैं। ये कहता है कि हमारे पास एक स्क्वेयर है। क्या है भाई? एक स्क्वेयर, और स्क्वेयर के वर्टेक्स पर चार्ज रखे हुए हैं। मतलब ये कहता है कि एक वर्टेक्स पर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, मैं इसको ले लेता हूँ ए, दूसरे को ले लेता हूँ बी, सी एंड डी। हमने कहा कि ए पर प्लस क्यू चार्ज, बी पर प्लस क्यू चार्ज, सी पर माइनस क्यू चार्ज और डी पर भी माइनस क्यू चार्ज रखा गया है। अब ए बी सी डी पर चार अलग अलग चार्ज रखे गए हैं और साइड ऑफ स्क्वेयर इज ए। ये हमारे पास क्या है? स्क्वेयर है। साइड क्या है बेटा इसकी? ए है। अब इन्होंने अरेंज कर दिया। अब ये कहता है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्क्वेयर। पहले में क्या पूछता है? कैलकुलेट वी एट सेंटर ऑफ स्क्वेयर। सबसे पहले तो अब ये पूछा जा रहा है कि आपने इसके सेंटर पर इसकी पोटेंशियल को फाइंड आउट करना है, और सेंटर पर फाइंड आउट करने के बाद आपने दूसरे पॉइंट पर ये पूछ रहा है कि मिड पॉइंट ऑफ डी सी, तीसरे में पूछता है मिड पॉइंट ऑफ बी सी, और एक पूछता है मिड पॉइंट ऑफ डी सी। एक पॉइंट यहाँ लेना है, मिड पॉइंट ऑफ बी सी एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, और एक तो इसी का मिड पॉइंट है तो एक पॉइंट हमारा सबसे पहला यहाँ होगा। तीन पॉइंट हो गई, 1 2 जस्ट जस्ट हाँ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। देखो ए बी, ये चार पॉइंट है। अब देखिए मैंने इस पॉइंट को रख दिया ई, इस पॉइंट को रख दिया एफ, इस पॉइंट को रखा जी और इस पॉइंट को रखा एच। तो मैं आपको बेसिक एक या दो करा देता हूँ, उसके बाद आप खुद कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है यहाँ पर, जो पोटेंशियल फाइंड आउट की गई है, सबसे पहला ही केस ले लेते हैं, सेंटर ऑफ स्क्वेयर एट पॉइंट ई। देखिए इसमें हम डायरेक्ट निकालेंगे, हमें पता है टोटल पोटेंशियल निकालेंगे तो चार्ज कितने रखे हैं? चार, ए बी सी डी पर। ए पर प्लस क्यू, बी पर प्लस क्यू, सी पर माइनस क्यू और एट डी माइनस क्यू। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले लिखेंगे तो क्या लिखेंगे भाई? के क्यू अपॉन डिस्टेंस, ई पॉइंट तक की जो डिस्टेंस ले रहे हैं, तो सीधा लिख देते हैं ए ई, चार्ज प्लस क्यू है। फिर लिखेंगे के क्यू अपॉन बी पॉइंट की वजह से जो डिस्टेंस है वो क्या लिखेंगे? बी ई। फिर प्लस के, दूसरा अगला चार्ज क्या है? माइनस क्यू अपॉन ये डिस्टेंस क्या है? सी ई। प्लस अगला के माइनस ऑफ क्यू, ये डिस्टेंस कितनी है? डी ई। आप ध्यान से देखिए, ए ई बी ई सी ई एंड डी ई, ए ई बी ई सी ई डी ई सभी इक्वल हैं, और ये डिस्टेंस कितनी है? ये है ए बाई रूट टू।
क्योंकि हमें पता है कि जो डायगोनल होता है वो ए रूट टू होता है, और ए रूट टू का हाफ करेंगे तो कितनी हो जाएगी, ए बाई रूट टू। स्क्वेयर का डायगोनल का हाफ करना है, और ये सभी डिस्टेंसेज इक्वल हैं। यहाँ के क्यू है, यहाँ पर भी के क्यू है, यहाँ माइनस के क्यू, तो मेरे हिसाब से तो सारे कैंसिल हो जाएंगे, और सेंटर पर पोटेंशियल क्या जाएगी, जीरो, क्योंकि ये चारों की चारों वैल्यू इक्वल है। सेकेंड मैं आपको बता रहा हूँ, एट पॉइंट एफ, मतलब डी सी का मिड पॉइंट क्या है, एफ। ध्यान से देखिए, अब एफ पॉइंट पर निकालना है तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, टोटल पोटेंशियल। भाई ए से निकालेंगे तो क्या करेंगे भाई, के क्यू, क्योंकि ये पर क्यू चार्ज है, अब ये डिस्टेंस मालूम होनी चाहिए, ये क्या लिख दिया हमने, ए एफ प्लस। अब बी से एफ तक की डिस्टेंस है के क्यू अपॉन बी एफ, ये डिस्टेंस भी हमें मालूम होनी चाहिए, प्लस के क्यू, सॉरी के माइनस क्यू लिखेंगे, क्योंकि अब माइनस क्यू चार्ज आ गया, क्या लिखा जाएगा, सी एफ प्लस के माइनस क्यू एंड डी एफ। ध्यान से देखिए, सी एफ और डी एफ मेरे हिसाब से तो ए बाई टू है, क्योंकि ये तो हमने कहा है कि इनके सेंटर पे लिया हुआ है। अब बात आती है कि ए एफ और बी एफ की वैल्यू निकालनी। ए एफ और बी एफ मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, क्योंकि ये वैल्यू ए बाई टू है और ये वैल्यू ए है, और ये 90 डिग्री एंगल है। इसी तरह से ये वैल्यू ए बाई टू है, ये वैल्यू ए है कंप्लीट, और ये दोनों इक्वल होंगे तो पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या करेंगे, ए स्क्वेयर प्लस ए बाई टू का होल स्क्वेयर, और इसका क्या लिखा जाएगा, अंडर रूट, मतलब क्या हो जाएगा, 5a² / 4 अंडर रूट। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, ए बाई टू √5 a/2, ऐसा हम कह सकते हैं। अब ये सभी वैल्यूज यहाँ पर पुट करेंगे तो v इज इक्वल टू क्या होगा भाई, के क्यू अपॉन ए एफ की वैल्यू क्या है, √5 a/2 प्लस के क्यू अपॉन √5 a/2 माइनस के क्यू, सी एफ की वैल्यू क्या है, ए बाई टू माइनस के क्यू, सी एफ की वैल्यू क्या है, ए बाई टू। ध्यान से देखिए, के क्यू अपॉन ए बाई टू सभी से कॉमन आ रहा है, मैंने टू को सीधा ऊपर लिख दिया, यहाँ क्या बचा भाई, 1/√5 + 1/√5 - 1 - 1 मीन्स टू अगेन कॉमन आ जाएगा, 4KQ/A, यहाँ क्या आ गया भाई, 1/√5 - 1, ये हमारी पोटेंशियल आ गई, नेट पोटेंशियल। ठीक है भाई, अब इसी तरह से जो अगले न्यूमेरिकल हैं, अगले पॉइंट्स हैं, मिड पॉइंट ऑफ बी सी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इन सब के लिए आप कोशिश करेंगे और सेम मेथड लगाकर आप इस न्यूमेरिकल को कंप्लीट करेंगे। अब कुछ और न्यूमेरिकल्स मैं आपको बताता हूँ जो बहुत ज़्यादा सिंपल हैं, जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में एक न्यूमेरिकल कराया था। मैं मान लीजिए ये कहा जाता है कि ओरिजिन से एक्स एक्सिस पर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेज रखे हुए हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेज एट एक्स इज इक्वल टू 1 + q चार्ज, एट एक्स इज इक्वल टू 2 + q चार्ज, एट एक्स इज इक्वल टू 4 + q चार्ज एंड सो ऑन, एक्स इज इक्वल टू 8 + q चार्ज एंड अप टू इनफाइनाइट। फाइंड द नेट पोटेंशियल एंड ओरिजन, फाइंड नेट पोटेंशियल एट ओरिजिन, तो ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब आपको मालूम है, ध्यान से देखिए भाई, सारे के सारे चार्ज कैसे हैं, प्लस क्यू हैं, मतलब आप क्या करोगे, नेट पोटेंशियल के लिए सीधा K Q/1 + क्या लिखोगे, K Q/2 + क्या लिखोगे, K Q/4 + up to इनफाइनाइट टर्म। यहाँ से क्या कॉमन आया, K Q 1 + 1/2 + 1/4 + up to इनफाइनाइट टर्म, और आगे तो आपको पता ही है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, हमें पता है ए की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 1, आर की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 1/2, क्योंकि आर क्या होता है, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म, इस तरह निकाला जाता है। फिर आगे क्या लिखते हैं, इफ़ आर इज लेस देन 1 देन सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म का फॉर्मूला क्या बताया था, ए अपॉन 1 - आर।
अब हम इसका कंप्लीट सीधा फॉर्मूला लिख देंगे, देन वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, के क्यू, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 अपॉन 1 माइनस 1/2। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 2 ऊपर जाएगा तो 2 इंटू के क्यू। अगर इसी न्यूमेरिकल को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, और न्यूमेरिकल को चेंज करके क्या कह दिया जाए भाई, कि हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेज हैं और अल्टरनेट पर अपोजिट चार्ज रखे हुए हैं। अल्टरनेट पर कैसे चार्ज रखे हुए हैं, अपोजिट, जैसे कि सबसे पहले प्लस क्यू चार्ज, फिर माइनस क्यू चार्ज, अगेन प्लस क्यू चार्ज, फिर माइनस क्यू चार्ज, और इस तरह से इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज रखे हुए हैं। और आपसे पूछा जाता है नेट पोटेंशियल ऑन ओरिजिन, नेट पोटेंशियल ऑन ओरिजिन, ओरिजिन पर आपने नेट पोटेंशियल बतानी है। तो वी इज इक्वल टू क्या होगा भाई, के क्यू अपॉन 1, ये तो 1 है, ये 2 है, ये 4 है, 8 है, ऐसे रखे हुए हैं। फिर क्या लिखा जाएगा, माइनस के क्यू अपॉन 2, प्लस क्या किया जाएगा, के क्यू अपॉन 4, माइनस के क्यू अपॉन 8, और इस तरह से ये इनफाइनाइट टर्म तक जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे, के क्यू कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस 1/2 प्लस 1/4 माइनस 1/8 प्लस अप टू इनफाइनाइट। अगेन अब की बार हम क्या करेंगे, वही a निकालेंगे, 1 होगा, और r निकालेंगे तो बेटा माइनस 1/2 होगा, क्योंकि सेकेंड टर्म माइनस 1/2 है, अपॉन 1 करेंगे, थर्ड टर्म 1/4 माइनस अपॉन 1 माइनस 1/2, तो r हमेशा नेगेटिव आएगा। और यहाँ पर फिर हम ऐसे इनफाइनाइट का फॉर्मूला निकालेंगे, अप्लाई करेंगे के क्यू इंटू ए अपॉन 1 माइनस ऑफ 1/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 1/2, और इस केस में 2/3 के क्यू आ जाएगा। अगर मान लीजिए इसी न्यूमेरिकल को थोड़ा सा बदल दिया जाए, और इस तरह रेशियो ना बताकर, क्योंकि यहाँ तो हमें इनफाइनाइट टर्म का रेशियो मालूम है, अगर मान लीजिए इनफाइनाइट टर्म का रेशियो ना बताया जाए और डायरेक्ट बोला जाए कि भाई इनफाइनाइट तक आपने एक्स इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से आपने कोई सीरीज ले रखी है, जहाँ पर एक बार प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू इस तरह से अल्टरनेट चार्ज रखे हुए हैं, तो आपके पास नेट पोटेंशियल क्या आएगी भाई, के क्यू बाई 1 माइनस के क्यू बाई 2 प्लस के क्यू अपॉन 3 माइनस के क्यू अपॉन 4, और आप इसी तरह से लिखते चले जाओगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसमें एक नई ट्रिक लगेगी, क्योंकि आप यहाँ पर जीपी अप्लाई नहीं कर सकते, आप क्या ले रहे हो, के क्यू कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस अप टू इनफाइनाइट। अब इस तरह यहाँ पर सबसे बड़ा जो कन्फ्यूज़न है वो ये है कि यहाँ ना तो कोई जीपी सीरीज़ बन रही है, ना कोई एपी सीरीज, और हमें फॉर्मूला मालूम नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो है ये लॉगरिथम सीरीज है। क्या है ये, लॉगरिथम सीरीज। मैं आपको लॉगरिथम सीरीज के बारे में बता देता हूँ। लॉगरिथम सीरीज होती है लॉग ऑफ 1 + x इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स के पावर 4 अपॉन 4 प्लस अप टू इनफाइनाइट तक। इफ एक्स इज इक्वल टू 1, अगर मैं यहाँ पर एक्स की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, तो लॉग ऑफ क्या हो गया, 1 + 1, बोलो हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पर पुट करेंगे तो 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4, देखो हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज आई या नहीं आई, सेम आ गई। मीन्स ये सीरीज किसके इक्वल है, हमारी लॉग 2 के इक्वल है। किसके इक्वल है, लॉग 2। मीन्स इसका आंसर क्या आया, के क्यू इंटू लॉग 2। ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था यहाँ पर। काफ़ी बार क्या होता है कि फाइनली अगर हम कोई भी कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन कर रहे हैं और उस कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन के अंदर ये फॉर्मूला आ जाता है, तो हमारा फाइनल आंसर नहीं आ पाता, क्योंकि हमें इस फॉर्मूले के बारे में पता ही नहीं है। तो आपने सबसे पहले तो एक लॉगरिथम सीरीज याद रखनी पड़ेगी, क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, जो
अभी तक तो देखिए हमने न्यूमेरिकल करे हैं, ये सब पॉइंट चार्ज के लिए पढ़ लिया है और इन सब के लिए। अगर मान लीजिए मैं एक लाइन ऑफ चार्ज ले लूँ, एक स्फेयर पर मैं चार्ज ले लेता हूँ, या फिर हम एक सॉलिड स्फेयर या एक क्यूब पर चार्ज ले लेते हैं और उसकी पोटेंशियल फाइंड आउट करनी हो, तो कैसे फाइंड आउट की जाएगी? उसके लिए हमने पढ़ा हुआ है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या पढ़ा हुआ है हमने? कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और इसके लिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने खूब समझाया हुआ है। मतलब कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के थ्री टाइप्स होते हैं, और मैं डायरेक्ट फॉर्मूले लिखूँगा। एक में हमने क्या पढ़ा हुआ है? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक में क्या पढ़ा हुआ है हमने? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा क्या पढ़ा हुआ है? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको पता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो मान लीजिए कोई भी लाइन है, इसकी चार्ज डेंसिटी गिवन होगी लैम्बडा, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज लोगे डी क्यू, और इसकी लेंथ को क्या लिया जाएगा? डी एल। मतलब यहाँ पर आप डी क्यू की वैल्यू निकालोगे तो क्या लिखी जाएगी? लैम्बडा इंटू डी एल। सरफेस में मान लीजिए आपने कोई भी एक सीट ले ली है, एक सीट ले लो सरफेस, आपने कहा कि इसके ऊपर जो इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो क्या है? सिग्मा। अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ लेते हो तो एरिया कितना लोगे? डी एस। स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज कितना लिखा जाएगा? डी क्यू। तो सिग्मा इज इक्वल टू डी एस, डी क्यू बाई डी एस लिखा जाएगा। देन डी क्यू इज इक्वल टू यहाँ से क्या जाएगा? सिग्मा इंटू डी एस। अगर कोई आपने स्फेयर लिया और स्फेयर के अंदर आपने चार्ज दिया, और आप इसका स्मॉल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम लेते हो डी वी, और इसकी चार्ज डेंसिटी लेते हो रो, तो यहाँ पर चार्ज कितना बताया जाएगा? डी क्यू, और डी क्यू की वैल्यू क्या होगी? रो इंटू डी वी। ये सब हमने पढ़ा हुआ है। अब मान लीजिए इनके अंदर पोटेंशियल फाइंड आउट करनी है, जैसे कहा जाए लाइन ऑफ चार्ज के लिए फाइंड आउट करिए, किसी रिंग के लिए फाइंड आउट करिए, तो हमें पता है लीनियर चार्ज डेंसिटी है, और उसके लिए जो हमारी पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा वो स्मॉल अमाउंट के लिए होगा, और वो इंटीग्रेशन मेथड से निकाला जाएगा, जो होता है 1/4πε0 के की वैल्यू होती है, और क्या लिखा जाएगा? डी क्यू अपॉन आर। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/4πε0 है, इसको के लिखेंगे बाहर आ जाएगा, और हम क्या लिख देंगे इसको? डी क्यू को क्या लिख सकते हैं? लैम्बडा इंटू डी एल अपॉन क्या लिखा जाएगा? आर। इसी तरह से सिमिलरली मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, V इज इक्वल टू के हमने बाहर ले लिया इंटीग्रेशन, यहाँ पर डी क्यू की वैल्यू क्या लिखी जाएगी? सिग्मा इंटू डी एस अपॉन क्या लिखा जाएगा? आर। इसी तरह से पोटेंशियल अगर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में निकाला जाए तो क्या लिखा जाएगा? V इज इक्वल टू के इंटीग्रेशन ऑफ रो इंटू डी वी अपॉन आर, क्योंकि मैंने केवल और केवल हर जगह पर डी क्यू की वैल्यू पुट की है, क्योंकि हमारे पास जो मेन फॉर्मूला था पोटेंशियल का वो इंटीग्रेशन ऑफ 1/4πε0 डी क्यू अपॉन आर था, जिसको हम लिखते हैं के क्यू अपॉन आर। के की वैल्यू मैंने 1/4πε0 रखी, क्यू की जगह पर डी क्यू रख दिया। डी क्यू इसलिए रखा क्योंकि डी वी स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल थी, डी वी मैं लिख देता हूँ, और डी वी दोनों तरफ फिर इंटीग्रेशन करेंगे, डी वी का इंटीग्रेशन तो वी हो जाएगा, देन वी इज इक्वल टू के, और डी क्यू की वैल्यू मैंने लीनियर है तो लैम्बडा डी एल, सरफेस है तो सिग्मा डी एस, और वॉल्यूम है तो रो इंटू डी वी। ये हम वैल्यू पुट करेंगे, और अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और आगे हम फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए रिंग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए लॉन्ग वायर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए होलो स्फेयर या थिन स्फेरिकल सेल, यूनिफॉर्म चार्ज थिन स्फेरिकल सेल, या आप डिस्क के लिए फाइंड आउट कर सकते हो, ये सभी।